शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा, प्ले स्टोर में अगर कुछ भी डाउनलोड करने जाते हैं उस टाइम में बहुत सारे यूज़र बोल रहे हैं कि पेंडिंग शो हो रहा है, तो फिर उस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से आप अगर कोई भी ऐप जो है अपडेट या फिर डाउनलोड करना चाहते हो, फिर इस तरीके से डाउनलोड पेंडिंग शो हो रहा है, तो फिर इसे फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसे फिक्स करने के लिए आपको पहले जो ऊपर में जो मेन्यू बटन दिख रहा है, मेन्यू बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्ले स्टोर वर्सन जो है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको गूगल प्ले स्टोर जो है वो अपडेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन जो शो हो रहा है, गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट, ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो फिर देख लीजिएगा यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम जो है, अगर फिर भी फिक्स नहीं होता है तो फिर डाउनलोड अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है, तो फिर आपको करना क्या होगा। उसके बाद आपको करना है सेटिंग में जाना है आपको, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इंस्टॉल ऐप, ठीक है। इंस्टॉल ऐप पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है यहाँ पर जो क्लियर डाटा बटन दिख रहा है, क्लियर ऑल डाटा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लियर डाटा करने के बाद इस तरीके से आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो फिर डाटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से करना क्या है, उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद ओपन कर लीजिए प्ले स्टोर, थोड़ा टाइम लेगा। तो फिर प्ले स्टोर ओपन हो गया है, तो फिर मैं फिर से ट्राई करता हूँ अभी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो फिर कर लेते हैं जो मैंने पहले अपडेट नहीं कर पा रहा था, वो अभी देख लेते हैं कि हो रहा है या फिर नहीं हो। तो फिर देख लीजिए जीमेल ऐप जो है पहले अपडेट नहीं हो रहा था, अभी देख लेते हैं डाउनलोड पेंडिंग शो हो रहा है या फिर डाउनलोड हो रहा है। तो फिर देख लीजिए यहाँ पे डाउनलोडिंग शो हो रहा है, ठीक है। जो पहले जो पेंडिंग दिखा रहा था वो अभी सॉल्व हो गया है। तो फिर इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है तो फिर ये शो हो सकता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप इस तरीके से क्लियर डाटा कर सकते हो, उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो फिर जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।